मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 फरवरी के करंट अफेयर पर। देखिए आज इस वीडियो में टोटल हम 14 करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट भी पूछेंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करंट अफेयर के PDF की लिंक मिल जाएगी। और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी करिए ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हो सकें। और देखिए अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर सेशन द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन है, तो देखिए इनका नाम है सुमन कुमारी। और अगला था कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत स्टील उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है, तो देखिए भारत जो है ये स्टील उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। और अगला था कि लंदन की कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी रिपोर्ट में किस कंपनी को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया है, तो देखिए इस कंपनी का नाम है टाटा ग्रुप। और अगला था कि हाल ही में किस राज्य ने जीवन संपर्क परियोजना की घोषणा की, तो देखिए ये राज्य आपका था ओडिशा। और नेक्स्ट था आपका कि हाल ही में भारत के किस पूर्व रक्षा मंत्री का निधन हो गया, तो इनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। और इनके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था परसों के वीडियो में, तो आप परसों का वीडियो देखिए इनके बारे में और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है हाल ही में किस व्यक्ति ने NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार संभाला है, तो देखिए इनका नाम है राजीव चोपड़ा। और मैं आपको 101% जो है बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि ये प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो फिर से बता रहा हूँ एक लाइन में दिमाग में फिट कर लिए। देखिए अभी हाल ही में राजीव चोपड़ा ने NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक के रूप में जो है पदभार संभाल लिया है। और देखिए NCC के बारे में दो चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसका मोटो क्या है, तो देखिए NCC का मोटो है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और जो आपका NCC है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिकेशन डे मनाया गया, तो देखिए ये मनाया गया है 30 जनवरी को। और देखिए इस बार का 2019 का जो आपका विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस है इसकी थीम रही भेदभाव कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना यानी कि एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा एंड प्रिजुडिस। तो आपको ये सभी चीज़ याद रखनी है, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 30 जनवरी को हर साल विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और 2019 के लिए इसकी थीम रही भेदभाव कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। और देखिए जो आपका कुष्ठ रोग यानी कि जो आपका लेप्रोसी है ये किसके कारण होता है, देखिए जो आपका लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग होता है ये एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है और इस बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो आप जो है ये सभी चीज़ें याद रखेंगे। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि किस लेखक को हाल ही में श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है, तो देखिए इनका नाम है रामधारी सिंह दिवाकर। तो फिर से बता दूं कि रामधारी सिंह दिवाकर को श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में सुविख्यात साहित्यकार मृदुला गर्ग ने जो है एक समारोह में इनको यानी कि रामधारी सिंह दिवाकर को ये सम्मान प्रदान किया है। और देखिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के पुरस्कार स्वरूप जो है जो आपके रामधारी सिंह दिवाकर हैं इनको 11 लाख रुपये नगद प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह जो है ये भेंट किया गया है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का क्या नाम है, तो देखिए इस डिजिटल करेंसी का नाम है अबेर। तो आपको ये एक लाइन में रखना है कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का नाम है अबेर। और ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जो आपका ये अबेर है ठीक है, तो इस संयुक्त डिजिटल मुद्रा का उपयोग जो है दोनों देशों के बीच में यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच में जो है ब्लॉकचेन तथा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बीच जो है वित्तीय भुगतान के लिए किया जाएगा। और पांचवा प्रश्न है कि वर्ष 2019 के अंतरिम बजट को संसद में किसके द्वारा पेश किया जाएगा, तो देखिए ये प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लें पिछले 10 सालों का क्या 20 सालों का देख लीजिए पेपर, तो बजट से संबंधित जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस तिथि को बजट पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया। तो फिर से आपको सारी डिटेल बता दे रहा हूँ। देखिए जो आपका 2019 का अंतरिम बजट है इसको संसद में जो है पीयूष गोयल के द्वारा पेश किया जाएगा। पीयूष गोयल को अभी हाल ही में जो है इनको जो है वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल दिया गया है क्योंकि जो आपके अरुण जेटली हैं वो बीमार चल रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनकी जगह पे अब जो है इस बार 2019 में पीयूष गोयल जो है
2019 का अंतरिम बजट संसद में पेश करेंगे। और देखिए जो आपका 2019 का अंतरिम बजट है ये 1 फरवरी को यानी कि आज ही संसद में पेश किया जाएगा। और देखिए वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है कि वर्ष 2019-20 का जो बजट है ठीक है इसके लिए सरकार जो है ये पूर्ण बजट की बजाय अंतरिम बजट पेश करेगी। तो इस बार जो है ये पूर्ण बजट नहीं पेश होगा संसद में, इस बार अंतरिम बजट पेश किया जाएगा पीयूष गोयल के द्वारा और इसकी तिथि याद रखेगा 1 फरवरी, क्योंकि पिछले साल के कई सारे एग्जाम में पूछा गया था कि इस बार जो है भारत सरकार ने किस तिथि को संसद में बजट पेश किया था। तो देखिए बजट की तिथि तो आप जान ही लीजिए, बजट के बारे में जितनी भी जानकारी होगी आज बजट पेश होगा तो उसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको जो है अगले वीडियो में बता दूंगा या फिर बजट का एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला के तहत राज्य में अगले 4 महीने में 100 गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया है। तो देखिए ये निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, और कमलनाथ ने जो है अभी हाल ही में घोषणा की है प्रोजेक्ट गौशाला के बारे में। तो आपको इसके बारे में और डिटेल बता रहा हूँ। देखिए जो आपका ये प्रोजेक्ट गौशाला है इसका नोडल विभाग होगा मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग और ग्राम पंचायत स्व सहायता समूह राज्य गौ संवर्धन बोर्ड से संबद्ध संस्थाएँ और जिला समिति के द्वारा जो है चयनित संस्थाएँ प्रोजेक्ट गौशाला का क्रियान्वयन करेंगी। तो प्रोजेक्ट गौशाला के बारे में ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तो मैंने आपको बता दिया है कमलनाथ है, मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो देखिए आज क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं स्पेशल फैक्ट कम बताऊंगा। आपको क्या करना है मैं जिस भी राज्य का नाम लूँ और मतलब कोई भी प्लेस का नाम ले रहा हूँ तो उसके बारे में डिटेल आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए ठीक है। तो आज आपको ये काम करते चलना है। और देखिए सातवां प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम यानी कि पीसा 2021 में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए जो आपका भारत सरकार है इसने जो है OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के साथ जो है वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम में जो है भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसको आप एक लाइन में दिमाग में रखे रहिएगा। और देखिए जो आपका आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है जिसको हम शॉर्ट में OECD कहते हैं, ये जो है वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन करेगा और इसी के लिए भारत ने भी शामिल होने की इच्छा जताते हुए इस संगठन के साथ ये समझौता किया है। तो ये सभी चीज़ें आपको एक लाइन में रखनी है, फिर से एक लाइन में बता रहा हूँ दिमाग में फिट कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम यहाँ पे है। देखिए जो आपका OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन है ठीक है, तो इसके साथ भारत सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम 2021 में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और देखिए थोड़ा सा हम बात करेंगे OECD की। देखिए जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को की गई थी और जो कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है इसको OECD और OECD दोनों एब्रिविएशन के साथ जाना जाता है। और देखिए इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं जोस एंजेल कुरिया। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT टीम द्वारा नदी की धारा से बिजली बनाने वाले डिवाइस टेस्ट का परीक्षण किया गया है। तो देखिए ये IIT टीम आपकी है IIT रुड़की की। तो सरल शब्दों में इसको जान लीजिए, देखिए IIT रुड़की के वैज्ञानिकों की एक टीम ने नदी की धारा से बिजली बनाने वाले एक डिवाइस का हाल ही में परीक्षण किया है और ये डिवाइस अगर सक्सेसफुल होता है तो इसको अप्लाई करके पूरे भारत में जो है नदी की धारा से जो है बिजली बनाई जा सकेगी और सस्ती बिजली जो है जनता को उपलब्ध कराई जा सकेगी। और देखिए एक खास बात और है, देखिए पिछले साल मैंने आपको बताया था कि IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करके जो है एक सस्ते उपकरण का निर्माण किया था जो कि शरीर की गति का इस्तेमाल करके हरित विद्युत का उत्पादन कर सकता है। और इस डिवाइस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया सकता है, देखिए जो आपका ये डिवाइस बनाया गया था ये जो है पेसमेकर स्मार्ट पिल और पहनने लायक जो विद्युत उपकरण हैं उनको चला सकने में समर्थ है तो इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया सकता है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी इसको याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले जो है ये लेटेस्ट वाला याद रखना है कि IIT रुड़की की वैज्ञानिकों की टीम ने नदी की धारा से बिजली बनाने वाले एक डिवाइस का हाल ही में परीक्षण किया। और देखिए नवा प्रश्न है कि कोटपुतली किस राज्य में स्थित है जहाँ केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने हाल ही में एक आदर्श विद्या मंदिर में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो देखिए जो आपका कोटपुतली है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, तो फिर से बता दूं कि राजस्थान के कोटपुतली में हाल ही में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने एक आदर्श विद्या मंदिर में सौर ऊर्जा संयंत्र का जो हाल ही में एक शुभारंभ किया है। और देखिए इस संयंत्र का लाभ क्या होगा, देखिए इस संयंत्र से उत्पन्न होने वाली जो बिजली होगी ये पूरा विद्यालय से जो है रोशन होगा और साथ ही
जो अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, यानी कि जो अतिरिक्त बिजली होगी इस सौर ऊर्जा संयंत्र जो है उत्पादन इसका होगा, ठीक है, ये कोटपुतली के परिवारों को जो है इससे लाभ मिलेगा। और इसके साथ में एक और जुड़ी हुई करंट अफेयर है, देखिए राजस्थान के कोटपुतली में हाल ही में राज्यवर्धन राठौर ने जो है एक पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी यहाँ पे उद्घाटन किया है, तो ये खास बातें आपको याद रखनी है। और आज आपको बताना है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है और राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है और राजस्थान की राजधानी क्या है। और देखिए दसवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएचडी छात्रों को मिलने वाली रिसर्च फेलोशिप में बढ़ोतरी करते हुए जूनियर रिसर्च फेलोशिप को 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने 1,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप है यानी कि JRF है, ये 25,000 रुपये से जो है बढ़कर अब 31,000 रुपये कर दिया गया है। और देखिए इसके साथ में एक खास बात और है, देखिए जो आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप है ये 25,000 से बढ़ाकर 31,000 किया गया है, और साथ ही में जो आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप है ये 28,000 रुपये से बढ़ाकर जो है 35,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये दोनों डाटा याद रखना है आपको। देखिए होता क्या है, जब आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है PhD में एनरोल होना पड़ता है, और PhD करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद क्या होता है आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने लगती है, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, JRF क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो आपको जो है पहले क्या था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप ग्रुप में आपको 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 31,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद क्या होता था, जब आपकी PhD को टोटल 2 साल हो जाते थे तो आप जो है आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते थे, और सीनियर रिसर्च फेलो को जो है 28,000 रुपये प्रति माह जो है स्कॉलरशिप मिलने लगती थी। और लेकिन आप क्या हुआ, केंद्र सरकार ने इसको बढ़ाकर जो है 28,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रति माह कर दिया है, तो ये खास बातें याद रखिएगा। और देखिए 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को सतत बिजली समाधान, बिजली सुधार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए कारनाट पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए इनका नाम है पीयूष गोयल, और देखिए पीयूष गोयल जो है वर्तमान में ये केंद्रीय वित्त, रेल और कोयला मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। और देखिए जो आपके पीयूष गोयल हैं इनको सतत बिजली समाधान की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 30 जनवरी को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ डिजाइन में क्लाइनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी कोर्स से जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस पुरस्कार के बारे में ये विशेष जानकारी आपको याद रखना है, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हाल ही में सतत बिजली समाधान, बिजली सुधार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए कारनाट पुरस्कार प्रदान किया गया। और देखिए 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जेल डिजाइन यानी कि जो आपका प्रिजन डिजाइन है इस पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो देखिए ये आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो देखिए ये पहला इवेंट यानी कि पहला सम्मेलन था, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फिर से बता दूं कि आंध्र प्रदेश में हाल ही में जेल डिजाइन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, और देखिए आंध्र प्रदेश में इसका एग्जैक्ट लोकेशन रहा विशाखापत्तनम। तो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देखिए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जेल डिजाइन पर जो है पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। और देखिए 13वां प्रश्न है कि हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किस स्थान पर टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर नेशनल कॉन्क्लेव टेक्नोटेक्स 2019 का आयोजन किया गया। तो देखिए इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया था, और इसका आयोजन 29 जनवरी 2019 को किया गया था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता यानी कि जो आपका टेक्नोटेक्स 2019 है इसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जो है की थी। तो इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अभी हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा मुंबई में टेक्नोटेक्स 2019 का आयोजन किया गया 29 जनवरी 2019 को, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है भारत के केंद्रीय वस्त्र मंत्री यानी कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने की। और 14वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 384.40 करोड़ की लागत से गाँव के समग्र विकास के लिए स्मार्ट विलेज अभियान को मंजूरी दी है। तो देखिए ये राज्य आपका है पंजाब। तो फिर से बता दूं कि पंजाब जो है इसने 384.40 करोड़ रुपए की लागत से गाँव के समग्र विकास के लिए स्मार्ट विलेज अभियान को मंजूरी प्रदान की है, और देखिए इस योजना के माध्यम से गाँव को आवश्यक सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी। और आज आपको पंजाब के बारे में सारे के सारे फैक्ट बताने हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, पंजाब के राज्यपाल कौन है, पंजाब की राजधानी क्या है, ठीक है, और पंजाब की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को किस राज्य में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई है, इस एक्सप्रेसवे का क्या नाम रखा गया है, इसका उत्तर बताइए। देखिए आप कल का वीडियो देख के इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कल मैंने इस एक्सप्रेसवे के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। और अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये वित्त वर्ष 2018 में
18% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो ये अमाउंट कितना है बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश का पहला भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टोर जो है लॉन्च किया, तो इसका प्लेस बताइए कहां पे किया है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2019 में दुनिया के 60 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसका उत्तर बताइए। और देखिए कल हमने एक और इंडेक्स पे चर्चा की थी, तो उस इंडेक्स को भी आप देख लीजिएगा कल के वीडियो में, ठीक है। तो कल का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसको देख के रिवाइज करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर था। तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं और ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो तो इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज लाइक करना चाहते हो तो इन सब की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।